नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं घिया के कोफ्तों की सब्जी, और आपको भी सारा अपना ब्लॉग दिखाते हैं, साथ में हमारे बने रहें। पहले हम अपने घिया को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। अच्छी तरह वॉश करने के बाद घिया, फिर हम इसको छील लेंगे। यह हमने अपने अच्छे से वॉश कर ली है, और चाकू की मदद से अब इसको नीचे से ऐसे काट लेंगे। काटने के बाद फिर हम इसकी मदद से इसको अपना छील लेंगे अच्छी तरह से। ये पूरे का पूरा ऐसे स्लाइस उतर जाता है, देखें। ये पूरे का पूरा स्लाइस उतर रहा है, और इसको एक बार ही छीलने के बाद हम अपने घिया को फिर एक बार वॉश कर लेंगे। अच्छी घिया हमारी छिल चुकी है, और इसको एक बार अच्छी तरह वॉश कर लेंगे फिर दोबारा से। वॉश करने के बाद इसको हम इसके साथ कद्दूकस कर लेंगे। बहुत अच्छी कद्दूकस घिया हो रही है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट घिया के कोफ्ते बनाएंगे आज। लगभग आधी हमारी कद्दूकस हो गई है, और थोड़ी रह गई है, इसको भी सारी को ही कद्दूकस कर लेंगे। घिया हमारी कद्दूकस हो चुकी है, और इसको अच्छी तरह अपना सारा साफ कर लेंगे। देखते हैं, हमारी घिया बहुत अच्छी तरह कद्दूकस हो चुकी है। और साथ के साथ हम अपना मसाला तैयार करेंगे। हमने लिया है एक प्याज, एक टमाटर और एक हरी मिर्च।
और जो प्याज का ये निचले वाला भाग है ये हम बहुत अच्छी तरह से काट लेंगे। प्याज ये हमने ऐसे बीच में से काट लिया है और ये निचला भाग है ये बहुत जरूरी है इसको निकालना, ये भी मैंने देखा था एक दिन वो बोल रहे थे इसको बहुत जरूरी होता है निकालना, बहुत निकालते भी नहीं, कई बार हम भी बीच में मिक्स कर लेते हैं। प्याज हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। अपना मसाला काट रहे हैं, ये हमने प्याज की कटिंग चालू कर दी है। प्याज काफी तेज कड़वा, आंखों में से पानी आने लगा है, फिर भी हम अपना लग रहे हैं इसको पूरा ही समाप्त करके हटेंगे। ये प्याज की कटिंग हमने कर ली है और अब टमाटर की कटिंग कर रहे हैं। टमाटर को भी हम अपना बारीक ही काट लेंगे। लगभग हमारा टमाटर भी कट चुका है और ये हरी मिर्च है इसको भी बारीकी काट लेंगे। हरी मिर्च बहुत तेज है इसलिए हम एक ही डाल रहे हैं। मसाला लगभग हमने अपना काट लिया है और हम अपना तेल गर्म कर रहे हैं। इसमें अपना पैन में हमने अपना तेल डाल लिया है कोफ्ते बनाने के लिए। हाँ जी, अब हम अपने घिया के अंदर ये 3 चम्मच बेसन के डाल रहे हैं। हमने 3 चम्मच बेसन के डाल लिए हैं, साथ के साथ अपना इसमें इसमें थोड़ी हल्दी डाल लेंगे और थोड़ा हल्का नमक डाल लेंगे और थोड़ा ये अपना सीक्रेट मसाला और ये धनिया पाउडर। इसके डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अपना। अब हम अपने कोफ्ते तलने की तैयारी कर रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम अपने कोफ्ते बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ते बनेंगे हमारे। कोफ्ते हमारे अपने स्टार्ट हो चुके हैं। कोफ्ते हमारे बन रहे हैं और कुछ हमने बना लिए हैं। देखें बहुत ही अच्छे कोफ्ते बने हैं। इनको ज्यादा काले भी नहीं करना, थोड़ा ब्राउनिश पे ही रखना है। हाँ जी, कोफ्ते हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी कोफ्ते बने हैं और अब हम इसकी सब्जी बनाने जा रहे हैं। ये हमने इधर अपना कुकर रख दिया है और अब इसमें हम अपना तेल डालने जा रहे हैं। लगभग आधी कड़छी हमने तेल की ली है, थोड़ा और ज्यादा ले लिया है जिससे बढ़िया स्वादिष्ट बने। और इधर हमारा मसाला पड़ा है।
कुकर में हमने अपना तेल डाल लिया है और एक चम्मच जीरा और एक हरी मिर्च कटी हुई हमने इसमें डाल दी है। थोड़ा इसको भूनने देंगे, साथ की साथ प्याज डाल रहे हैं। प्याज डालने के बाद अपना प्याजों को चलाते रहेंगे जब तक हमारे प्याज ब्राउनिश ना हो। प्याज को चलाते रहें। प्याज हमारा भुनना स्टार्ट हो चुका है। प्याजों को चलाते रहें। प्याज हमारे ब्राउनिश होने स्टार्ट हो चुके हैं और ये हम एक टमाटर जो काटा था उसको भी बीच में डाल रहे हैं जिससे मसाला हमारा अच्छी तरह पक जाए। और हमने कुकर को ढक दिया है 2 मिनट के लिए जिससे मसाला अच्छी तरह पक जाए। और इधर लग रही है अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन, बहुत फायदा है इसका। और ये इधर कुछ सामान वगैरह भी पड़ा है। जब से ये लगी है गैस पाइपलाइन बहुत ही आराम, सिलेंडर की कोई जरूरत नहीं। मसाला हमारा पक चुका है और इसको चलाते रहेंगे, साथ की साथ टमाटर को भी कड़छी से पीस देंगे अच्छी तरह। मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। और इसमें अपने मसाले डाल रहे हैं, 1 चम्मच सेंधा नमक और 1/4 चम्मच हल्दी का डाला है, और ये धनिया पाउडर, ये लाल कश्मीरी मिर्च और थोड़ा ये आमचूर डाला है टेस्ट के लिए। और मसाले को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। थोड़ा पानी डाल के मसाले को अच्छी तरह पकाएंगे। देखें हमारे मसाले का कलर कितना बढ़िया आ चुका है। सब्जी का टेस्ट सारा मसाले के ऊपर ही है, मसाले का बहुत ही अच्छा कलर। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है और बहुत ही अच्छा कलर आया है मसाले का। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। कोफ्ते हम अपने कुकर में डाल रहे हैं और लगभग 2 गिलास हमने इसमें पानी के डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हम कुकर बंद कर देंगे और लगभग 2 सीटी इसको लगवाएंगे। 3री सीटी में हम इसको नीचे उतार देंगे पर सीटी नहीं लगने देंगे। उसके बाद 10 मिनट हम इसको स्टीम में ही बढ़ने देंगे। कुकर हमने बंद करके गैस पर रख दिया है सीटी के लिए और अब इसको 2 सीटी लगवाएंगे। गैस हमारी काफी तेज चल रही है। जो ये अंडरग्राउंड गैस है, ये जो सा सिलेंडर है उससे काफी तेज चलती है और सब्जी खाना वगैरह ये बहुत ही जल्दी बना देती है। सीटी हमारी लगनी जा रही है।
और ये हमारी सिटी पहली लग चुकी है, लग रही है। और ये हमारी दूसरी सिटी लग रही है। दो सिटी लगाने के बाद तीसरी सिटी हम बजने नहीं देंगे, उससे पहले ही इसको बंद करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे स्टीम में हमारी सब्जी अच्छी तरह बन जाए। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। देखें कोफ्तों की सब्जी बनकर तैयार। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब उत्पन्न हुई थी।